The next element is unambiguous. It must be unambiguous or it must be of certain. That means the contract in which you are entering or the agreement which you are entering for forming the contract must be of certain. Certainty means क्या है कि ये हमने जो कहा हुआ है, जो place दी हुई है, जो amount fix की हुई है, जो हमारा agreement है, वो certain होना चाहिए. वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. अगर ऐसा भी और वैसा भी अगर हम लोग use करते हैं, then it will not be a certain. That means the contract does not contain the element of certainty and will not be a valid contract. Next one is must not be impossible. आप जो contract में enter कर रहे हो, उसका subject matter must be possible of performance. आप यही उसी को एग्रीमेंट में एंटर करोगे कि जो दोनों पार्टी को परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल हो. इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मौत हो गई है लेकिन आपको उसके साथ कुछ बात करनी है और आप चाहते हैं कि अब मैंने उससे बात करनी है और एक कोई पर्सन है जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपकी उसके आत्मा के साथ आपकी बात करवा दे सकता हूँ, तो ये क्या है, इज इट पॉसिबल? नहीं, यू कैन नॉट कन्वर्स विथ द सोल. सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है एंड दैट्स वाई इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो दीज आर सम एलिमेंट्स विच स्टेट्स वेदर योर कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड वन और इट इज नॉट अ वैलिड. तो फर्स्ट टाइप ऑफ अवर कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. देन कम्स टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where at the time of entering into a contract all the essential elements of a valid contract are present. yani jab aap contract mein enter kar rahe ho to these all essential elements are present at the time of entering into a contract, but due to some changes in law or due to changes in situation it is not possible for the parties to fulfill their promises, then that contract is called as void contract. A valid contract hai to both the parties are in a position to file a case against each other. If another party fails to perform their promise, then the other party has a right to sue that person. But in void contract, no party has a right to file a suit against the another party. Void contract ka ek hum log ye lete hain, example le lete hain. जैसे कि एक आपने एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है. कोरोना की सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं हम लोग कोरोना में? कि अभी आप कॉलेज में नहीं आ सकते हो. बराबर है, कॉलेज में नहीं आ रहे हो तो हम लोग आपका फिजिकल लेक्चर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो. लेकिन जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी तब तो क्या एग्रीमेंट हुआ था हम लोगों के बीच में? कि आप फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंट रहोगे, आपकी प्रेजेंटी रहेगी और हम लोग आपको जो भी डाउट्स आते हैं और हम लोग हमारे लेक्चर डिलीवर करेंगे. लेकिन क्या अभी ये आपके लिए पॉसिबल है कि कॉलेज में आओ? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम लोगों को परमिशन ही नहीं है कि फिजिकली हम लोग कॉलेज में प्रेजेंट रहे और हम लोग लेक्चर्स को अटेंड करें. तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द सिचुएशन वॉज डिफरेंट, बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट. सो यू कैनॉट कंपेल अस टू टेक योर लेक्चर्स फिजिकली एंड वी कैनॉट कंपेल यू टू कम टू कॉलेज एंड अटेंड अवर लेक्चर्स फिजिकली. दैट इज नोन एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट और टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. And the other party has to fulfill their promises. क्या है voidable contract? एक party को ये right दिया जाता है कि वो उसे accept भी करे या उसे reject भी करे. ऐसा तो हो सकता है when that party does not give his or her free consent, so he is in a position to accept the contract or to reject the contract. कब नहीं हो सकता है? उसने फ्री कंसेंट क्यों नहीं दी है? या तो हो सकता है कि कोर्शन का यूज किया गया है, अंडू इन्फ्लुएंस का किया है, या बाकी के जो रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स है उसका एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक अदर पार्टी ने उसका यूज करके उसे जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन की हुई है. तो
ऐसे पर्सन जिससे जबरदस्ती की गई हुई है, ऐसे पर्सन को राइट मिलता है, एक तो चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जिस पर्सन ने उससे जबरदस्ती से एग्रीमेंट में एंटर किया हुआ है, दैट पर्सन डू नॉट हैव एनी राइट टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. समझ लीजिए कि पहले रियल इस्टेट अच्छे से चल रहा था, ठीक है, आपके पास एक प्लॉट था जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपीज, एक वैकेंट प्लॉट है आपके पास जिसकी कीमत है 5 लाख रुपीज, बट दैट पर्सन फोर्स यू टू सेल हिम दैट प्लॉट एट 3,50,000 रुपीज और कोर्शन का यूज किया है. सो यू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद दैट पर्सन एंड यू साइन दैट यू विल सेल हिम दैट प्लॉट एट 3,50,000 रुपीज. लेकिन देख लीजिए कोरोना की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि रियल इस्टेट के भी जो रेट्स हैं वो नीचे आ गए हैं. अभी फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लीजिए कि 3 लाख उस प्लॉट की वैल्यू हो गई है, ठीक है. अब 3 लाख हो गई है तो यू आर इन बेनिफिट ऑफ रुपीज 50,000, आप तो बेनिफिट में जा रहे हो. उस वक्त आप तैयार नहीं थे, आपसे जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, लेकिन अभी आप तैयार हो. क्यों तैयार हो? क्योंकि आपको 50,000 रुपये का फायदा वैसे भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. लेकिन वही समझ लीजिए कि यही जो प्लॉट है 5 लाख से ज़्यादा, समझ लीजिए 6 लाख भी हो गया या 5 लाख ही उसका अभी भी रेट है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसे इसमें आपने उसे क्या किया है, रिजेक्ट किया है. लेकिन दोनों भी केस में जो पहली पार्टी जिसने आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया हुआ है, वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का राइट नहीं रखती है. अगर वो 3 लाख की भी वैल्यू आ गई है, इवन दो यू कैन फोर्स दैट पार्टी टू पे यू 3,50,000 रुपीज एंड दैट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर वन इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. इन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स. अभी टेक्निकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए हमें कई ऐसे पेपर से जिसमें स्टैम्प ड्यूटी या स्टैम्प पेपर पे साइन करना है, अगर आपने जो स्टैम्प ड्यूटी दी है वो अंडर वैल्यूड है, तो ऐसे इसमें उसे कहा जाता है टेक्निकल डिफेक्ट. और अगर ये टेक्निकल डिफेक्ट आपने दूर नहीं किया है, हटाया हुआ नहीं है, तो नो पार्टी हैज़ अ राइट टू सू द अनदर पार्टी. सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज ओके. In our next lecture, we are going to discuss the remaining types of our contract. Thank you. Thank you very much.